गरिमा साची, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज हम सभी आर्थराइटिस के बारे में बात करते हैं। आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का दर्द। इसमें जॉइंट्स में पेन होता है, स्वेलिंग आती है, तो जोड़ों में जो अफेक्शन होता है उसे आर्थराइटिस कहते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। उसके पहले यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके लास्ट में हम आप सभी को कुछ मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो कि आर्थराइटिस को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल रह सकती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द के बारे में। आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन होना। आइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन होना, और आर्थ मतलब जॉइंट, तो जॉइंट का इन्फ्लामेशन होना मतलब वहां पर सूजन आना। तो इन्फ्लामेशन के 5 साइंस होते हैं जो हम मेडिकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। पहला है रेडनेस होना, उस जगह पे जो भी जॉइंट अफेक्ट होगा वहां पर लालपन होगा, रेडनेस होगी। सेकेंड चीज होती है कि वहां पर स्वेलिंग होती है, सूजन आ जाती है। तीसरा साइन होता है कि वहां पर एरिया जो होगा वो टेंडर होगा, पेनफुल होगा, टच करने पे काफी हद तक वहां पर दर्द होता है। साथ ही साथ हीट होगी, वो एरिया बाकी पूरी बॉडी से हल्का गर्म महसूस होगा। और पांचवा सिम्टम है जो कि फंक्शन का लॉस होना, मतलब उस जॉइंट का, जैसे यहाँ पर पेन है हमें या यहाँ पर अफेक्शन हुआ तो इस जॉइंट का प्रॉपरली मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ये है आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन के 5 साइंस। जिस भी जॉइंट को अफेक्ट करेंगे उस जगह पर ये 5 साइंस देखने मिलते हैं। ये फीमेल्स में ज्यादातर कॉमन है बजाय मेल्स के। अब आर्थराइटिस जो है वो 100 टाइप के होते हैं एक नॉर्मल वे में देखें तो, बट इसके जो कॉमन टाइप्स हैं वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस, मतलब इसमें डीजेनरेटिव चेंजेस होंगे, बोन्स में टूटना चालू हो जाएगा। तो जहां पर डीजेनरेशन हो रहा है, टूट रही है, उसे ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, जो कि काफी कॉमन वेराइटी है आर्थराइटिस की। नेक्स्ट कॉमन वेराइटी जो है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिसीज है, बॉडी खुद ही की सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून वैरायटी की डिसीज है। अब इन दोनों में, ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अंतर समझने के लिए हम क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं। बहुत सारी ऐसे बीमारियां होती हैं जिसमें कि प्राइमरी अफेक्शन बोन में या कि जॉइंट्स में देखने मिलता है, तो जॉइंट पेन सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट प्राइमरी सिम्टम बन जाता है। तो वो बीमारियां कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहली है ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि एज रिलेटेड होती है। एज रिलेटेड मींस जैसे जैसे ओल्ड एज होती जाएगी बोन्स इजीली ब्रेकेबल हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, रेडनेस इजीली देखने मिलता है। तो एज रिलेटेड फैक्टर्स ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज करते हैं, और उस ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे पहला और प्राइमरी सिम्टम जॉइंट पेन ही होता है। तो जोड़ों का दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस में काफी कॉमन है। अब ये कहाँ कहाँ इन्वॉल्व करता है, तो फिंगर्स हो गए, नी हो गए, हिप जॉइंट्स हो गए, इनमें अफेक्शन ज्यादा कॉमन देखने मिलता है। नेक्स्ट वेराइटी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये ऑटो इम्यून वेराइटी है। ऑटो इम्यून मीन्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन का है। तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के केसेस में इसमें जो है हैंड्स एंड फीट्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देखने मिलता है। नेक्स्ट वैरायटी गाउट, गाउट में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का डिपोजिशन देखने मिलता है। ये क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं तो इंटरनली पेन कॉज करते हैं। नेक्स्ट वैरायटी है सेप्टिक आर्थराइटिस, पस का फॉर्मेशन होता है, जोड़ों के बीच में जो फ्लूइड होता है वहां पर पस का कलेक्शन होने लगता है, जिस वजह से जॉइंट पेन देखने मिलता है। नेक्स्ट वैरायटी है एंकाइलोजिक स्पॉन्जिलाइटिस, इस बारे में हमने आपको सर्वाइकल स्पॉन्जिलाइटिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्जिलोसिस के वीडियो में बताया है, इसके लिए आप उसमें रिफर कर सकते हैं।
जुवेनाइल यानी कि बाय बर्थ पैदा होते से ही बच्चे को जॉइंट पेन होना, दैट इज कॉल्ड एज जुवेनाइल आर्थराइटिस। चलिए अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। इसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो पेन है। जोड़ों में दर्द से ही पता चलता है कि आर्थराइटिस हो गया है। और इन्फ्लेमेशन के जो पांच साइंस हमने आपको बताए हैं वही रिपीट कर रहे हैं हम वापस से, जैसे पहला है रेडनेस, दूसरा है स्वेलिंग होना मतलब सूजन आना, तीसरा हीट उस जगह पर उंगली में जैसे है कुछ तो वहां पर गर्म फील होना, हीट फील होना, लॉस ऑफ मूवमेंट यानी कि मूवमेंट्स प्रॉपरली ना कर पाना, जॉइंट में स्टिफनेस आना, और साथ ही साथ पांचवा जो साइन है वो है कि टेंडर यानी कि पेन, टच पे पेन होना या बिना टच किए भी कंटिन्यूस एक पेन बने रहना। अब इसका जो ऑनसेट है वो ग्रेजुअल भी हो सकता है और सडन भी हो सकता है, पेशेंट पे डिपेंड करता है। किसी को धीरे धीरे जॉइंट पेन शुरू होता है, किसी का अचानक से शुरू हो जाता है। मूवमेंट्स का रिस्ट्रिक्शन मतलब हैंड्स का मूवमेंट नहीं हो पाना, प्रॉपरली चल नहीं पाना, यदि नी अफेक्टेड है तो वॉकिंग में प्रॉब्लम, हैंड्स में अफेक्शन है तो वर्किंग में प्रॉब्लम, स्टिफनेस हो सकती है जो कि मॉर्निंग में ज्यादा देखने मिलती है, वर्स रहती है, सुबह उठते से ज्यादा मूवमेंट्स में रिस्ट्रिक्शन रहता है, ज्यादा स्टिफनेस होती है, या फिर ज्यादा यूज करने के बाद, ज्यादा काम करने के बाद भी स्टिफनेस आ सकती है, मैलेज हो सकता है, फटीग हो सकता है मतलब काफी ज्यादा थकान लगेगी, पेशेंट काफी ज्यादा थकावट महसूस करेगा, वेट लॉस हो सकता है। पुअर स्लीप मतलब नींद का कम हो जाना, मसल वीकनेस, मसल में काफी हद तक कमजोरी आ जाना, नींद ढंग से ना होना क्योंकि दर्द रहता है। और बाद में हमें कुछ सिम्टम्स देखने मिलते हैं जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है कि एक साल की बीमारी हो गई, दो साल की, तीन साल की, तो उन कंडीशंस में जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है। एक ग्लास पानी भी लेना है तो जॉइंट्स प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते हैं, मस्कुलर वीकनेस बढ़ती जाती है, पेशेंट और भी ज्यादा मैलेज और फटीग हो जाता मतलब काफी ज्यादा थकावट पेशेंट को लगने लगती है, डिक्रीज्ड एरोबिक एक्टिविटी हो जाती है मतलब बॉडीज के जो एरोबिक मूवमेंट्स मतलब जो एक फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स होते हैं वो सारे काफी हद तक डिक्रीज हो जाते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स होते हैं जो कि हमें देखने मिलते हैं। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मतलब जॉइंट्स के अलावा भी बॉडी में कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं इन्हीं जॉइंट डिसीज के साथ में, उसे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स कहते हैं। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में हैंड और फीट जॉइंट्स के अलावा बॉडी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं जैसे हाथ, और इन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स में हमें जो इन्वॉल्वमेंट देखने मिलता है वो क्यूटेनियस नोड्यूल्स मींस स्किन के अंदर नोड्यूल्स गठानों का बनना, लिम्फ एडिनोपैथी जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें सूजन आना, उसमें स्वेलिंग आना और उसकी डिसीजेस बनना, एडिमा मतलब बॉडी में सूजन आना चाहे वो पैरों में हो या फेस पे हो उसमें भी स्वेलिंग देखने मिलती है, टेंडन्स में अफेक्शन देखने मिलता है जो दो बोन्स को जॉइंट्स को जोड़े रखते हैं वो टेंडन्स वो लिगामेंट्स उनमें अफेक्शन देखने मिलता है, बर्साइटिस मतलब कोई भी जॉइंट के ऊपर यदि कैप्सूल फॉर्मेशन है बर्सा है जो भी बॉडी में जॉइंट्स हैं जहां जहां बर्सा है उसमें भी इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग देखने मिलती है, साथ ही साथ अल्सरेशंस भी देखने मिलता है मतलब वो एरिया अल्सरेटिव हो जाता है जिस जगह पे भी इन्फ्लामेशन या आर्थराइटिस हुआ है। ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स हैं मतलब बोन्स खुद तो अफेक्ट हैं ही लेकिन उससे जुड़ी हर चीज भी अफेक्ट हो सकती है, चाहे वो टेंडन हो, लिगामेंट हो, बर्सा हो, ऊपर की कैप्सूल हो या फिर लिम्फ नोड यानी जो लिम्फ नोड्स उसके आसपास प्रेजेंट है और स्किन, स्किन के अंदर भी गठाने बन सकती है। चलिए अब हम इसके कॉजेस के बारे में बात करेंगे जो कि आर्थराइटिस कॉज करते हैं। हेरिडिटरी हो सकता है यानी कि
जेनेटिक फैमिलियल चला आ रहा है, फ्लूइड का जो वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए उसकी कमी हो जाना, या फिर क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हो जाना, ये कुछ ऐसे कॉजेस हैं जिस वजह से आर्थराइटिस एक्यूट कंडीशन में भी डेवलप होता है और साथ ही साथ क्रॉनिक में भी। अब हम इसकी डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। तो एक डिजिटल एक्सरे हो सकता है, ब्लड टेस्ट में हम आरए फैक्टर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए देख सकते हैं, सीआरपी देख सकते हैं, एएनएफ यानी एंटी न्यूक्लियर फैक्टर, ये एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी है जो कि इसके डायग्नोसिस में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, तो इन सब का हम टाइटर्स देखते हैं कि ये नॉर्मल रेंज में है या ज्यादा बढ़ गए हैं, उस बेस पे आर्थराइटिस का डायग्नोसिस होता है। अब हम इसके होम्योपैथिक कॉज के बारे में बात करते हैं, तो उसमें है लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब खुद को ही प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहा है, और साथ ही साथ एस्टीम का अफेक्शन है, मतलब ईगो हर्ट हुआ है कहीं पर और वो चीजें वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। चलिए अब हम अपने एक होम्योपैथिक केस, वो भी एक्यूट केस के द्वारा जानेंगे कि आर्थराइटिस होम्योपैथी द्वारा इजीली क्योरेबल है। पेशेंट जिसकी एज 25 ईयर्स थी, मेल पेशेंट, वो अपने रिस्ट ज्वाइंट में पेन के लिए आए थे, तो काफी ज्यादा यहाँ पर स्वेलिंग थी, एक्सरे में फ्रैक्चर नहीं था बट स्वेलिंग थी और मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड था, मतलब अपना वो हाथ हिला नहीं पा रहे थे, राइटिंग वर्क नहीं कर पा रहे थे, काफी ज्यादा स्टिफनेस और वीकनेस थी हाथ में लगभग एक हफ्ते से ये प्रॉब्लम चली आ रही थी, इस वजह से ये एक्यूट केस है। इनका जब हमने एक हफ्ते पहले का इंसिडेंस पूछा कि क्या हुआ था, कॉज पूछा, तो उन्होंने कहा बिजनेस लॉस हुआ है एकदम एक हफ्ते पहले और 4 लाख का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उस पर उनका रिएक्शन देखा तो काफी वॉयलेंट रिएक्शन था, क्योंकि फ्रेंड ने चीट किया, चीटिंग से प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें लॉस मनी लॉस से प्रॉब्लम हुई, मतलब जो उनकी साइकोलॉजी थी। तो दो तरह के पेशेंट होते हैं, यदि एक तो ये कि किसी ने चीट किया उसका रिएक्शन अलग होगा कि चीटिंग से परेशानी थी, एक का रिएक्शन ये कि उनका मनी लॉस हुआ, मतलब फाइनेंशियल वो डाउन हुए, उस वजह से उन्हें परेशानी हुई। तो इस केस में उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा फील हुई कि मेरा पैसा चला गया, बिजनेस लॉस हुआ, इस वजह से उनका रिएक्शन देखा तो वो काफी वॉयलेंट हुआ। साथ ही साथ गुस्सा जो उनका कॉन्ट्राडिक्शन पे, मतलब उनकी कोई भी बात काटी जाए उनसे बर्दाश्त नहीं होती, फिजिकल जनरल में थर्स्टलेस है, जरा भी प्यास नहीं लगती, दिन दिन भर में वो 1 या 1.5 ग्लास ही पानी पीते थे, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट थी, पूरा अंदर सूखा रहता लेकिन फिर भी प्यास नहीं लगती। रूब्रिक इनके लिए लिए गए, एलिमेंट फ्रॉम बिजनेस लॉस, साथ ही साथ एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन एंड रिएक्शन वाइज वॉयलेंस लिया गया। मेडिसिन फाइनली ब्राइनिया निकली, तो ब्राइनिया 1 ml दी गई, 1 ml इसीलिए क्योंकि केस एक्यूट था और ये 2 days में ही टोटली रिकवर कर गए, जॉइंट की पहले स्वेलिंग गई, पेन गया और पूरी रेडनेस भी चली गई, लेकिन इसके फॉलोअप में सबसे पहले पेन कम होगा, स्वेलिंग कम होगी और लास्ट में रेडनेस जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ मेडिसिंस की बात करते हैं जो कि आर्थराइटिस को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल रह सकती है। सबसे पहली मेडिसिन है एलियम सीपा, एलियम सीपा जो कि प्याज से बनती है। पेनफुल फिंगर्स अबाउट नेल्स, ये जो नाखून होते हैं उसके चारों तरफ फिंगर्स जो होंगी वो काफी हद तक पेनफुल होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द देखने मिलता है, हैंड्स में भी पेन होता है, लेग में भी, और जो भी जहां पर भी अफेक्शन होगा वो एरिया रेड होगा, ड्राई होगा, काफी वहां पर ड्राइनेस रहेगी कि स्किन क्रैक भी होने लगती है, स्वेटिंग होती है इसके पाम्स में और पैरों के तलवे में और यहाँ हाथ की हथेलियों में काफी स्वेटिंग देखने मिलती, मतलब काफी पसीना आता है। ही कैन हार्डली राइट, मतलब बहुत मुश्किल से वो लिख सकता है, इतना पेन होता है उसकी पूरी उंगलियों में। ऐसी कंडीशन में
और साथ ही साथ यदि इसको सिम्टम आए कि इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन, मतलब करंट जैसे दौड़ता है उस टाइप का यदि पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में एलियम सीपा काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रायनिया। तो रिस्ट एज इफ स्प्रेन्ड ऑन एवरी मोशन, मतलब रिस्ट ऐसी रहती है कि जैसे लचक गई है, तो सेंसेशन ऐसा होगा, स्प्रेनिंग वाला सेंसेशन होगा, तो ब्रायनिया काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही साथ इसके जो फिंगर के जॉइंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, वो भी सॉलन होते हैं और कोई भी चीज पकड़ नहीं सकता, ग्रास्पिंग पावर कम हो जाता है, मतलब पेन भी पकड़ना है तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। एग्जर्शन पे एग्रावेशन होता है कि एग्जर्शन क्या ज्यादा लिख लिया, ज्यादा कुछ काम किया तो कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी। और इसका जो मेंटल लेवल होता है कि डिजायर फॉर द थिंग्स बट व्हेन ऑफर्ड रिजेक्टेड, तो उसे जो भी चीज चाहिए वो मांगेगा, बिल्कुल अड़ जाएगा कि ये चीज चाहिए, और जब वो चीज मिल जाएगी तो उस चीज को वो रिजेक्ट भी कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम। थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट्स एग्रावेट, जितना ज्यादा अपनी तकलीफों के बारे में सोचेगा उतनी ज्यादा इसे परेशानी होती है। कांट सपोर्ट इनजस्टिस, इससे अन्याय बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, किसी पड़ोसी के साथ, किसी जान पहचान वाले के साथ भी अन्याय हो रहा है तो उनके लिए भी लड़ लेगा। और साथ ही साथ पैरालिटिक फीलिंग होगी हैंड्स में कि जैसे कि उसमें जान ही नहीं है, नंबनेस होगा, सेंसेशन जो रहेगा उसमें सुन्न टाइप का हो जाएगा, नंब फीलिंग होगी और आइसी कोल्ड फीलिंग होती है, ठंडा ठंडा लगता है, जैसे कोई भी यहाँ का उंगली का ये ज्वाइंट अफेक्टेड तो यहाँ पर ठंडा ठंडा महसूस होगा उसे। इस कंडीशन में कॉस्टिकम काफी हद तक हेल्पफुल रह सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है रूटा। तो रूटा डिससेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ एंड अदर्स, किसी के साथ भी वो सेटिस्फाइड नहीं रहता, किसी भी कंडीशन में कोई उसके लिए कितना भी कर दे वो संतुष्ट नहीं होता है, और डिस्पोज टू वीप, हमेशा रोता रहेगा किसी भी चीज के लिए, हर चीज की डिमांडिंग रहती है ज्यादा। साथ ही साथ पैरालिटिक अफेक्शंस इसमें भी होता है, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स इसमें भी देखने मिलता है, कोल्ड वेट वेदर से प्रॉब्लम होती है, मतलब ठंडे वेदर से, ठंड के दिनों में इसे जॉइंट्स में ज्यादा अफेक्शन देखने मिलता है। और साथ ही साथ टिंगलिंग, मतलब झुनझुनी होती है इसे, एग्जर्शन के बाद इसे जॉइंट्स में झुनझुनी ज्यादा देखने मिलती है। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्मिका। तो इसमें हमेशा सोर फीलिंग होती है, बेड भी हार्ड लगेगा, जहां पर बैठेगा वो एरिया भी हार्ड लगेगा, उंगलियां मेनली अफेक्टेड होती हैं, जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं उसके साथ साथ बड़े जॉइंट्स में भी इसमें अफेक्शन देखने मिलता है, आर्म्स में, रिस्ट जॉइंट में, हिप जॉइंट में, नी जॉइंट में, और सेंसेशन ऐसा रहेगा जैसे कि स्प्रेन है, क्रैकिंग सेंसेशन होगा, अंदर से सोर फीलिंग होगी कि बहुत ज्यादा जैसे कट गया है, डिसलोकेशन की फीलिंग होगी कि उसका ज्वाइंट ही डिसलोकेट हो गया है, अपनी जगह पे नहीं है, ऐसी फीलिंग आती है। इसमें भी झुनझुनी जैसा लगता है और अनेबल टू बैंड फिंगर्स, फिंगर्स को प्रॉपरली बैंड नहीं कर पाता है, तो इस कंडीशन में आर्निका काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही कंप्लीट हुआ। इसी वीडियो के सिक्वेंस में आपको गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के वीडियोस मिलेंगे, तो इन सभी को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, अदरवाइज आप इन वीडियोस के अपडेट को मिस कर जाएंगे। और आज जो मेडिसिंस बताई गई हैं वो आप डॉक्टर्स की सलाह के बिना मत लीजिएगा, अदरवाइज वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं रह पाएंगी, क्योर के लिए डॉक्टर्स का कंसर्न लेना जरूरी है। चलिए जल्दी ही मिलते हैं अपने नए टॉपिक गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी, और साथ ही साथ क्लिनिक का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।